खाजा अभी और जलेगा। इज़राइल अभी और हमले करेगा। फिलिस्तीनियों की मौतों का सिलसिला अभी लंबा चलेगा। युद्ध को जारी रखने का फैसला इज़राइल का नहीं है, हमास तो चाहता है जल्दी से जल्दी युद्ध विराम। किसने किया इज़राइल युद्ध को लंबा खींचने का ऐलान? हमास के अंतिम लड़ाके के मारे जाने तक जारी रहेगा युद्ध। यूएन में आया युद्ध विराम का प्रस्ताव। अमेरिका ने युद्ध विराम प्रस्ताव पर कर दिया वीटो, मतलब यूएन में गिर गया प्रस्ताव। The United States strongly supports a durable peace in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security. We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. गाजा में जारी रहेगा रक्तपात। फिर सामने आया अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड। टारगेट हमास के बहाने ईरान को ठिकाने लगा। Birleşmiş Milletler'in bu aciz ve işlevsiz yapısının da tüm dünyada sorgulanacağına inanıyoruz. Bakın çok açık söylüyorum. Gazze'den sonra hiçbir şey eski tas eski hamam devam edemez. वॉशिंगटन डीसी से इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक 8 अक्टूबर से लेकर अब तक कितने विमानों ने उड़ान भरे हैं कोई गिनती नहीं है। कितने असलहे अमेरिका ने इजराइल को सप्लाई किए हैं किसी भी एजेंसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये हथियार, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, ये लड़ाकू विमान इजराइल ने हमास के अंत के लिए ही इजराइल को भेजा है। लिहाजा यूएन में जब इजराइल युद्ध के युद्ध विराम का प्रस्ताव टेबल हुआ तो अमेरिका ने वीटो कर दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि युद्ध लंबा खींचे। ये वही अमेरिका है जिसने पिछले बार के युद्ध विराम में अहम रोल निभाया था। लेकिन अब जो बाइडन को गाजा में शांति नहीं, खून का बहना पसंद है। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। पहले युद्ध विराम प्रस्ताव की डिटेल देख लीजिए। यूएन में युद्ध विराम के पक्ष में कुल 13 वोट पड़े, इसके विरोध में एक वोट यानी अमेरिका का वीटो था। यूके ने वोटिंग से खुद को अलग रखा था। अमेरिका ने ऐसा कदम क्यों उठाया है, बाकायदा इसकी दलील भी दी गई। कहा गया कि युद्ध रोकने का ये ठीक वक्त नहीं है। आपको आगे दिखाएंगे कि खुद अमेरिका में इजराइल युद्ध को लेकर देश की जनता की क्या राय है। कितने प्रतिशत अमेरिकी चाहते हैं इजराइल युद्ध और कितने प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं हमास को युद्ध के लिए जिम्मेदार। उससे पहले सुनिए अमेरिका का वीटो वाला तर्क। रॉबर्ट ए वुड संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत और उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। The United States strongly supports a durable peace in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security. We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि अमेरिका हमास के अंत तक युद्ध वाले नेतन्याहू के बयान के साथ अपनी सहमति जता रहा है। इजराइल के खिलाफ हमास को अमेरिका सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है, ताकि ईरान से ठीक से निपटा जा सके। युद्ध के लंबा खींचने से अमेरिका को क्या हासिल होगा, इसे 5 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, इजराइल की इच्छा है कि वो हमास के आखिरी आतंकी के मारे जाने तक युद्ध जारी रहे, अमेरिका दोस्ती निभा रहा। दूसरा, अमेरिका हमास के खात्मे के साथ खाड़ी में मैसेज देना चाहता है कि इजराइल या उसके खिलाफ हमलावर का अंत ऐसे ही होगा। तीसरा, युद्ध लंबा खींचेगा तो यमन के हूथी और लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ भी अमेरिका को एक्शन लेने का मौका मिलेगा। चौथा, अमेरिका को ईरान को निपटाना है और युद्ध जारी रहने की सूरत में ऐसे मौके जरूर आ सकते हैं। पांचवा, अमेरिका चीन और रूस को बताना चाहता है कि खाड़ी में अब भी उसका परचम सबसे ऊपर है।
जो बाइडन की नीतियां लंबे युद्ध के पक्ष में है, यूक्रेन में भी नेटो का नेतृत्व कर रहे अमेरिका की यही ख्वाहिश है। ज़ेलेंस्की को इतने हथियार दिए जाएं कि पुतिन उन्हें परास्त नहीं कर सके, लेकिन इतने भी नहीं दिए जाएं कि पुतिन परमाणु बम जैसे विकल्प पर विचार करें। मतलब युद्ध चलता रहे और अमेरिका का हित पलता रहे। लेकिन यहां समस्या यह है कि हमास यूक्रेन की तरह ना ही बड़ा है, ना वैसा हथियार संपन्न है, ना ही उसके पास इतने लड़ाके हैं। हालांकि अमेरिका ने इसका भी उपाय सोच रखा होगा। यहां तक कि अमेरिका ने युद्ध के बाद गाजा के साथ क्या किया जाए इसका प्लान भी बना रखा है। लेकिन इसकी डिटेल थोड़ा आगे। इसराइल के हमले में अब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर से दक्षिण तक गाजा जर्रा जर्रा तबाह हो रहा है। 40 से 45 किलोमीटर लंबी और महज 6 से 10 फीट चौड़ी गाजा पट्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पूरा शहर मलबे के नीचे आखिरी सांसें गिन रहा है। लोग पलायन कर गए हैं और जो बचे हैं वो अगले सेकंड बचे रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तबाही की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इसराइल युद्ध चाहे जितना लंबा खींचे, यूक्रेन युद्ध की तरह वर्ष का दरिया नहीं पार कर सकता। ईरान के युद्ध मैदान में उतरने से इनकार करने, सऊदी अरब का ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करने के लिए कहना और हमास के लड़ाकों के इस वक्त हालात बता रहे हैं कि बहुत जल्द गाजा इसराइल के कब्जे में होगा। लेकिन तब इसराइल गाजा में कैसा बर्ताव करेगा ये जान लेते हैं। उसके बाद बताएंगे कि युद्ध के बाद क्या है अमेरिका का गाजा के लिए सबसे लेटेस्ट प्लान। इसराइल में सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि फिलिस्तीनी लोग भी रहते हैं, जिनकी आबादी कुल आबादी की 20% है। लेकिन यहूदियों की तरह यहां फिलिस्तीनियों को अधिकार हासिल नहीं है। जैसे इसराइल में लॉ ऑफ रिटर्न एक कानून है, इस कानून के मुताबिक दुनिया के किसी भी कोने में बसा यहूदी इसराइल में आकर बस सकता है, लेकिन फिलिस्तीनियों को यह हक हासिल नहीं है। नेतन्याहू की सरकार फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नए कानून भी बनाने जा रही है जो उन्हें यहूदियों की तुलना में बहुत कम अधिकार देंगे। बेनियामिन नेतन्याहू अपना फैसला सुना चुके हैं कि हमास के अंत के बाद गाजा पर इसराइल का अधिकार होगा, लेकिन गाजा में शासन किस तरह से चलेगा, यहां की जनता का क्या होगा, इसराइल ने कुछ नहीं बताया। मतलब युद्ध की तबाही के बाद शांति और शांति में भी गाजा की बर्बादी चलती रहेगी। सवाल है तो फिर गाजा के दुखों का अंत कब होगा? फिलहाल तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो शांति दूत का काम कर सकते थे जैसे ईरान, सऊदी अरब या कतर या तुर्की या अमेरिका या फिर चीन या फिर रूस, सबको चिंता गाजा के जलने की नहीं, उसे बचाने की नहीं, युद्ध की आग में हाथ सेकने की है। मतलब खुद के स्वार्थ की पूर्ति करने की चिंता है। कहा जा रहा है कि गाजा पर इसराइल के कब्जे के प्लान से अमेरिका सहमत नहीं है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास अमेरिकी युद्ध के बाद गाजा को लेकर अपनी अलग प्लानिंग कर रहा है। यह प्लानिंग क्या है जाने, उसके पहले इसराइल के गाजा को लेकर मंशा को समझिए। हो सकता है इसराइल गाजा पट्टी को पूरी तरह से खाली करा दे। कुछ समय पहले इसराइल मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने गाजा के 2.2 मिलियन लोगों को वहां से स्थायी तौर पर हटाने के लिए कथित तौर पर एक प्रस्ताव तैयार किया। ये प्रपोजल लीक हो गया। 10 पेज के इस दस्तावेज में कहा गया कि गाजा पट्टी के लोगों को सिनाई प्रायद्वीप में शिफ्ट कर दिया जाए। ये मिस्र, इसराइल और गाजा से सटा हुआ बफर जोन है। गाजा पर कंट्रोल के बाद इसराइल को जो करना है करेगा, क्योंकि तब उसका राज होगा। लेकिन ये राज कब तक चलेगा, सवाल उस पर है। गाजा पर इसराइल के चढ़ बैठने के बाद खाड़ी में हालात पहले की तरह कभी नहीं रह जाएंगे। इसराइल की सीमा सीधे सिनाई प्रायद्वीप तक पहुंच जाएगी। हालांकि गाजा पर इसराइल कब्जा कर लेता है तो ऐसा होता है, तो ये पहली बार नहीं होगा। गाजा पर इसराइल पहले भी कब्जा कर चुका है, वहां उसने कई बस्तियां भी बसाई थी, लेकिन 2005 में इसराइल सरकार के इरादे बदल गए। इसराइल ने गाजा छोड़ने का फैसला किया।
इसराइल के गाजा से निकले 2 साल भी नहीं बीते थे कि वहां फतेह और हमास के बीच संघर्ष छिड़ गया। 2007 में हमास ने गाजा पर अपना नियंत्रण कर लिया। तब से लेकर अब तक गाजा से हमास और इसराइल के बीच कभी छिटपुट कभी ज्यादा और अब युद्ध जारी है, जिस युद्ध की नींव 2005 में ही पड़ चुकी थी। इसराइल यहूदियों का देश है और पूरी खाड़ी मुस्लिम सुन्नी और शिया मुसलमानों की है। इसराइल से दुश्मनी मुस्लिम देशों के मूल में है। ईरान जैसे देश तो इसराइल के अस्तित्व को ही सिरे से नकार देते हैं। अरब देश मानते हैं कि मुस्लिम देशों की जमीन पर इसराइल को बने रहने का कोई हक नहीं। असली दिक्कत यही है और गाजा पर इसराइल के कब्जे के बावजूद ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इस समस्या से ईरान को फायदा है, इसराइल को तंग करता रहेगा, अमेरिका को फायदा है, खाड़ी में वर्चस्व बना रहेगा, चीन और रूस को फायदा है, पूंछ बनी रहेगी। इस बीच गाजा जल रहा है और चलता रहेगा।